किसान विरोधी बल मार्च करो, किसान विरोधी बल मार्च करो। अजीतवाल दे नेड़ले पिंड नवां चूड़चक ते चूड़चक विखे भी खेती बिलों खिलाफ रोस धरना दोनों नगर निवासियों वालों दिता गया। इस मौके RG24 नाल नगर निवासियों ने गलबात करदिआं दस्सिआ। हुण असीं पहुंचे हां मोगा जिले के पिंड चूड़चक विखे, इत्थे भी अपने पिंड वासियों ने चूड़चक के नगर दोनों नगरों वालों ही पंजाब बंद के संबंध में रोस धरना लाया गया। तो साढ़े नाल ने पिंड चूड़चक के जो नगर निवासी है चक पंजाब दे विच धरने असीं तां ला रहे हां क्योंकि जिहड़े इत्थों दीआं सरकारां वा जां साडे MP आ उहनां तक असीं आवाज़ अपनी पहुँचा रहे हां। वो अपनी साडी आवाज़ सेंटर सरकार तक मीडिया राहीं पहुँचे जां जदों आपां देखदे हां भी पार्टियां वाले गए भी आ दिल्ली वल नूं, उहनां नूं शंभू बार्डर ते रोक के ते उत्थे पाणी दीआं विछाड़ां मार के कुट के मोड़ दित्ता जांदा, अगे जाण नहीं दित्ता जांदा। इस करके मान लो असी इत्थे थां थां अज सारियां किसान जथेबंदियां दा प्रोग्राम सीगा पंजाब बंद दा, उहदे करके असी सारे नगर निवासियां ने रल के इत्थे धरना लाए। भाजी मैं सबका सरपंच कुलदीप सिंह, देखो जिहड़े इह 3 आर्डिनेंस बिल मतलब पास किए आ क्योंकि आपां देखदे आए आ समय समय दीआं सरकारां जिहड़ियां हैगीआं उह अपना मुनाफा कट्टण लई जिमीदार नूं उह बेच ही रहीआं, जिमीदार नूं मिलदा कुछ नहीं। जिमी दे नाल 3 आर्डिनेंस बना के एक बहुत वड्डा धक्का जिहड़ा कीता जा रहा जिमीदार नूं खत्म करन दी कोशिश इहनां दी, क्योंकि आपां देखदे हां जदों दी मोदी सरकार बनी आ इहने लारिआं तों सवाए बहुत वड्डे वड्डे गप झूठ मारदे साए अते इहने किन्ने किन्ने लारे लाए। इहने आख्या मैं 15-15 लख रुपया एक एक मतलब जिहड़ा हैगा उह खाते विच पा दूंगा, किन्ने इन्हें होर मतलब जिहड़े जिन्ने भी वादे कीते आ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੈਗੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੈਲੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਕਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।